चलिए अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपकी पहली ट्रेड क्या होगी आज? गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट फिलहाल पोजीशन है, मुझे लग रहा है ये हफ्ता इंटरेस्टिंग होगा निफ्टी मेटल्स के लिए। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स पिछले हफ्ते एस्टेब्लिश हुए थे और उसमें से हमने टाटा स्टील का जिक्र किया था पिछले हफ्ते। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जो ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ है पिछले 6 हफ्तों का, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट काफी ड्यूरेबल है एंड एक सस्टेन मोमेंटम थ्रू आउट द वीक यहाँ पर नजर आना चाहिए। तो खरीदारी अभी भी करनी है टाटा स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 102.50 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 108.50 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 112 का। सचिन, आपका फर्स्ट क्विक सिंगल? देखिए, दो दो स्टॉक्स मेरे रेडार में है तो चॉइस वैसे मुझे लग रहा है कैनफिन होम्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। वो कंसोलिडेशन काफी हद तक मैच्योर हो चुका है एंड आरएसआई पे ऑलरेडी इसके डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया, तो मुझे लग रहा है 550 के टारगेट के लिए यहाँ पर कैनफिन होम्स में एक लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 524 पे एंड खरीदारी करनी है कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं सचिन से। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर मेटल्स पे ही ध्यान देना है। इनफैक्ट टाटा स्टील का हमने सुबह जिक्र किया था एंड सिमिलर स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है हिंडालको का भी है। जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया था कल के सत्र में, वहाँ पे मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन इवॉल्व हो रही है। सो 430 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 17.8 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 16 के आसपास का। पहला टारगेट होगा अराउंड 22 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 26 का। खरीदारी करनी है हिंडालको के 430 के कॉल ऑप्शन में।